दोस्तों आपने बजरंग दल का नाम तो सुना ही होगा जी हाँ, वही संगठन जिसके मेंबर भगवा कपड़े पहने वैलेंटाइन डे के मौके पे कपल्स को पार्कों से भगाते हुए दिखते हैं। बजरंग दल की पहचान युवाओं के बीच इसी काम को लेकर सबसे ज्यादा रही है, लेकिन इसके अलावा बजरंग दल की एक और भी पहचान रही है और यही वजह है कि बजरंग दल विवादों और चर्चाओं में खूब रहता है। इन दिनों भी बजरंग दल का नाम चुनावी चर्चाओं में खूब सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने को है और इस चुनाव में बजरंग दल सबसे बड़ा कीवर्ड बनकर सामने आया है। तो आखिर बजरंग दल क्या करता है, क्यों बना बजरंग दल, क्या है इसका इतिहास, जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताजा मामला क्या है। दोस्तों कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में मुफ्त की कई चीजें देने के साथ ही वादा किया गया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठनों जैसे बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाया जाएगा। कांग्रेस के इस वादे के बाद से ही पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम शामिल किए जाने पर मामला गर्म हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच इसको लेकर जंग छिड़ गई है। इस मामले को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक के चुनावी सभाओं में जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया और अब वह जय बजरंगबली का नारा लगाने वालों को ताले में बंद करना चाहती है। दोस्तों बीजेपी को हिंदुत्व के पिच पर खेलने के लिए जो फुलटॉस गेंद चाहिए थी, लग रहा है कि वो कांग्रेस ने उन्हें दे दी है, जिसे बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाकर बाउंड्री के बाहर भेजना चाहती है। बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि कर्नाटक में बजरंग बली बीजेपी का बेड़ा पार लगा सकते हैं। धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर बीजेपी पहले भी कांग्रेस और तमाम पार्टियों को नुकसान पहुंचाती आई है। आपको बता दें कि कर्नाटक के हम्पी से करीब 25 किलोमीटर दूर अनेगुंडी गाँव को किष्किंधा नगरी माना जाता है। जी हां, यहीं पर हनुमान जी के जन्म होने की बात कही जाती है। तो ऐसे में कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली का एक बड़ा फैक्टर बन गया है। कांग्रेस को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे राज्य में जगह जगह पर हनुमान मंदिर बनाने की घोषणा की है। बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से पहले ही कर्नाटक में बजरंग दल खूब चर्चा में रहा था, फिर चाहे वो हिजाब बैन का मुद्दा हो या फिर आजान और हलाला जैसे मुद्दे, इन सबको बजरंग दल ने जमकर उछाला और राज्य में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। खैर चलिए अब आपको बजरंग दल के इतिहास पर लेकर चलते हैं। आखिर इस दल को क्यों बनाया गया और ये संगठन आखिर क्या करता है। दोस्तों दरअसल 1960 के दशक की बात है। उस समय के आरएसएस चीफ एमएस गोलवलकर मुंबई में हिंदुओं के रिलीजियस ग्रुप को एक छत के नीचे एकजुट करने के लिए सन्यासियों के चुनिंदा ग्रुप और उनके प्रमुख से मिलते हैं। इसके बाद गोलवलकर और एसएस आप्टे स्वामी चिन्मयानंद के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद यानी के वीएचपी की स्थापना करते हैं। उद्देश्य रखा गया कि हिंदू मंदिर बनवाए जाएंगे, गौ हत्या और धर्म परिवर्तन को रोका जाएगा। 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी अगुवाई की और युवाओं को भी इससे जोड़ने का अभियान चलाया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जानकी रथ यात्रा बिहार के सीतामढ़ी से निकाली थी। इसी बीच कई संगठनों ने इस यात्रा का विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के वेबसाइट के अनुसार परिषद ने रथ यात्रा के लिए उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद वीएचपी ने रथ यात्रा निकालने की ठानी, जिसके बाद वहां मौजूद साधु संतों ने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े युवाओं को इस रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। सैकड़ों युवा अयोध्या पहुंच गए। विनय कटियार नामक युवा के नेतृत्व में सुरक्षित रथ यात्रा निकाली गई। यहीं से बजरंग दल का आइडिया मिला। जी हाँ, 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की शुरुआत हुई और विनय कटियार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसे विश्व हिंदू परिषद की युवा वाहिनी बताया गया। इसके बाद से बजरंग दल के लोग भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। 1986 के बाद दूसरे राज्यों में बजरंग दल बनाने का फैसला लिया गया। यह संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 36 संगठनों के परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संगठन की विचारधारा पूरी तरह हिंदुत्व पर आधारित है। बजरंग दल का प्रमुख उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर बनवाना था, साथ ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार करवाना शामिल है। इतना ही नहीं दोस्तों, बजरंग दल मुस्लिमों के डेमोग्राफिक ग्रोथ के खिलाफ रहा है। जी हाँ, साथ ही धर्म परिवर्तन, गौ हत्या और हिंदू कल्चर में वेस्टर्नाइजेशन का विरोध करता है। वीएचपी की आधिकारिक वेबसाइट में लिखा है कि बजरंग दल का गठन किसी के विरोध में नहीं बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए हुआ है। बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। शुरुआत में इसे राम सेना के हनुमान जैसे सिपाहियों के रूप में पेश किया गया। 1984 में रथ यात्रा के लिए सशक्त और हट्टे कट्टे लोगों को इसमें शामिल किया गया था। शुरुआत से ही ये काफी उग्र माना जाता है। खैर
दिसंबर 1992 तक बजरंग दल बहुत पावरफुल संगठन बन चुका था। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दिनों में यह संगठन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो मस्जिद को तोड़ने वाले लोगों में 90% बजरंग दल से जुड़े ही युवा थे, जिसके चलते ही तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार ने बजरंग दल को बैन कर दिया था। करीब एक साल बाद इस संगठन की स्पष्ट भूमिका नहीं मिलने के चलते इस संगठन से बैन हटा लिया गया। इसके बाद बजरंग दल कई बार हिंसक प्रदर्शनों को लेकर भी खबरों में रहा है। साल 1997 के बाद बजरंग दल एक बार फिर से तेजी से उभरा और जबरन धर्मांतरण को रोकने का बीड़ा उठाया। 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटों को ओडिशा के एक गांव में भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया था। ईसाई समुदाय ने स्टेन्स की हत्या का आरोप उस समय बजरंग दल पर ही लगाया था। हालांकि वाधवा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बजरंग दल यह दावा करता है कि इसमें उसका हाथ नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के दोषी करार दिए गए दारा सिंह और बजरंग दल के बीच किसी तरह का संबंध नहीं पाया गया था। चलिए अब आपको बजरंग दल से जुड़े कुछ और विवादों के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच यानी कि HRW ने 1998 में दक्षिण पूर्वी गुजरात में ईसाइयों पर हमले में बजरंग दल का हाथ होने का दावा किया था। इस दौरान दर्जनों चर्च और प्रार्थना हॉल को जला दिया गया था। बजरंग दल पर 2002 के गुजरात दंगों में भी शामिल होने का आरोप है। अप्रैल 2006 में नादेड़ में बजरंग दल के दो कार्यकर्ता बम बनाने के दौरान मारे गए। इसी से जुड़े ग्रुप पर साल 2003 में महाराष्ट्र के परभणी मस्जिद में धमाका करने का आरोप लगा। हालांकि 2016 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके अलावा सितंबर 2008 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी यानी कि NCM ने कर्नाटक और ओडिशा के NDA शासित राज्यों में कम्युनल वायलेंस के लिए बजरंग दल को आरोपी ठहराया। वहीं 5 अक्टूबर 2008 को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी के NCW ने कर्नाटक में चर्च पर हुए कई सारे हमलों में बजरंग दल की भूमिका को गंभीरता से लिया था। वहीं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले ऐसे संगठनों पर बैन लगाने का सुझाव दिया था। 14 फरवरी 2011 को यूपी के कानपुर में वैलेंटाइन डे मना रहे प्रेमी जोड़ों से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सजा के रूप में उनसे कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई थी। इस दौरान कई जगहों पर युवक युवतियों को मारा पीटा भी गया। साल 2015 के बाद बजरंग दल के लोगों पर गौरक्षा के नाम मुस्लिमों और निचली जाति के हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगा था। 2016 में गुजरात के ऊना में बजरंग दल पर 4 दलित युवकों को पीटने का आरोप लगा। इसी साल फरवरी में हरियाणा के लोहारू से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें 2 मुस्लिम युवकों की जली हुई लाश एक गाड़ी में बरामद हुई, जिनकी पहचान नासिर और जुनैद के तौर पर हुई थी। इसमें बजरंग दल के नेता मोनू मानेसर का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया था। मोनू घटना के बाद फरार हो गया था और अपने वीडियो जारी कर सफाई दे रहा था। जुनैद और नासिर के परिवार ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर इस पूरे हत्याकांड का आरोप लगाया था। जिस कर्नाटक में बजरंग दल का बैन करने की बात की जा रही है दोस्तों, वैसे वहां पर भी बजरंग दल से जुड़े कुछ विवाद हैं, जिस पर काफी हंगामा मच चुका है। जनवरी 2022 में कर्नाटक के गडग जिले में बजरंग दल के सदस्यों पर 20 साल के मुस्लिम युवक की मौत का आरोप लगा है। इसके अलावा अप्रैल 2022 में कर्नाटक के शिवमोगा में हलाला मांस बेचने वाले मुस्लिम व्यापारी पर हमला किया गया, जिस मामले में बजरंग दल के 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो दोस्तों, ये है बजरंग दल से जुड़े हुए कुछ विवाद। लेकिन इस संगठन का ये दावा है कि वो दहेज और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी काम करता है। जी हाँ, इसके अलावा इस संगठन प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप और कोरोना महामारी के समय राहत और बचाव का काम करता है। इसके साथ ही इस संगठन का ये दावा है कि ये पूरे देश में स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी चलाता है। अगर आज के समय में बजरंग दल की भूमिका की बात करें तो लाखों युवा इस संगठन का हिस्सा भी है। 25 लाख से ज्यादा युवा इस संगठन से जुड़े हुए हैं। वहीं RSS की तरह 25,000 से ज्यादा इसकी शाखाएं हैं। फिलहाल ये दल किसी आंदोलन को नहीं चला रहा है, लेकिन अब बजरंग दल के कार्यकर्ता एक विजिलेंटी ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। देश में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन से लेकर गौ हत्या तक के मामलों में बजरंग दल काफी एक्टिव दिखता है। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बजरंग दल से जुड़े ताजा विवाद और इसके शुरू से अब तक के इतिहास के बारे में बता दिया। आप क्या सोचते हैं बजरंग दल के बारे में? क्या इस पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।